प्री वेट रसियन, हेलो इंडियन, मैं आपको मॉनरिम बीच के बारे में बताऊंगी। मॉनरिम बीच का मैंने पहला वीडियो अपलोड कर चुका है, आप लोग देख लिए होंगे, और उसमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा बचा हुआ था मैंने पार्ट टू बनाया हुआ है। तो चलिए आप लोगों को मैं मॉनरिम बीच ले सकती हूँ, लेट्स गो मॉनरिम बीच विद गोवा ब्लॉग आनंदिता। यहाँ समुद्र की लहरों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और बहुत सारे विदेशी लोग स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इस बीच के किनारे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनमें आप डिलीशियस लंच एंड डिनर का एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि स्विमिंग करने के बाद हम कहाँ नहाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है। इस प्रश्न का आंसर है, यहाँ बीच के किनारे जो भी रेस्टोरेंट हैं उनमें हाइजीनिक बाथरूम्स होते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि यहाँ लंच एंड डिनर के लिए बहुत पैसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लंच और डिनर भी आप बहुत ही उचित पैसों में आप कर सकते हैं। मॉनरिम बीच कहाँ पर है और आपको कैसे जाना है इस बीच पर, मैंने पार्ट वन में बताया है, आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको टीटोज नाइट क्लब की फ़ी जाननी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। बाय बाय, पोका पोका।